नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जय फ्रेंड, आज बेसिकली लेकर के आया हूँ पार्ट 20 में आपको इस प्रकार से बताऊंगा फ्रेंड, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-6 नंबर का एक क्वेश्चन। ये लास्ट पार्ट है फ्रेंड 20 के बाद। मैं अगर आपका इच्छा अनुसार हुआ, आपने कॉमेंट्स करके मुझसे पूछे कि सर दूसरा पार्ट और लाइए, तो मैं और इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि नोट्स टाइप से नहीं। तो अदरवाइज मैं क्या करूँगा, सिलेबस पूरा स्टार्ट कर दूंगा शुरू से, उसके बाद नहीं तो अभी तो पेपर आने वाला है, इसलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि आपको उसका साइंस का हो गया, SST का हो गया, इसका नोट्स अभी प्रोवाइड करानी है फ्रेंड। तो मैं कल से क्या करूँगा, आपको जो है साइंस का पेपर बना बना करके इसी प्रकार से नोट्स टाइप से करवाऊँगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें साइंस में हो गया आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायो, तीन सब्जेक्ट है, तीनों को मैं कवर कर लूँगा। बहुत इजी तरीके से बताऊँगा और बढ़िया से समझा दूँगा फ्रेंड। साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को समझने वाली है और बिना पढ़े उसमें आराम से नंबर ला सकते हैं, वो भी 80%। आज बेसिकली लेकर के आया हूँ पार्ट 20 में आपको इसी प्रकार से समझाऊंगा जैसे मैंने पहले समझाया था। जब फ्रेंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बोर्ड पर ले चलते हैं आपको। जब फ्रेंड तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको क्या करना है, कै पार्ट में लिखा मैंने एक मोटर बोट माने नाव जो आपने देखा होगा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने से, यानी धारा जो होता है हमारा धारा की ओर कूल जाने से, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें फ्रेंड आपको क्या करना है, एक मोटर बोट है वो क्या कर रही है, 24 यानी इसकी चाल जो चल रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसकी चाल चल रही है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने से वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना धारा व चाल, इजिकल टू एक्स, हमने एक्स मान लिया। इसके बाद एक्स को क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसमें किलोमीटर प्रति घंटा एच कर लेते फ्रेंड, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, यही है के से किलो और घंटा आवर्स, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख लिया, एक्स को हमने मान लिया। इसके बाद आपको क्या कर रहा है, जल में बोट की चाल, यहाँ पर आपको लिख ली है जल में बोट की चाल, यानी नाव की चाल, बोट की चाल, जल में बोट की चाल क्या होगा फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा जितना दिया हुआ है, देखिए स्थिर जल में कितना है 24 दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड, किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मतलब कि ये चाल चल रही है, तो जल में बोट की चाल ये हमने लिख लिया। इसके बाद धारा की दिशा में बोट की चाल, यहां पर आपको लिखना है फिर से तीसरे स्टेप में धारा की दिशा में बोट की चाल धारा की दिशा में बोट की चाल क्या होगा फ्रेंड, तो यहां पर हो जाएगा 24 प्लस एक्स, यहां आप लिख सकते हैं 24 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है फ्रेंड। धारा की दिशा में बोट की चाल हो गया आपका 24 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपको लिखना है विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसके बाद आपको लिख देना है विपरीत दिशा में नाव की चाल या बोट की चाल, चलिए मैं यहाँ नाव लिख देता हूँ, नाव की चाल क्या होगा फ्रेंड, तो विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो विपरीत दिशा में ऑब्वियसली क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 24 माइनस एक्स, क्योंकि विपरीत का होता है, अगर हम इस साइड जा रहे हैं और इस साइड से फिर दोबारा वापस आ रहे हैं तो क्या होगा विपरीत, यानी इस साइड से जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 24 माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स, एक्स माना है ना तो एक्स लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे करने के बाद यहाँ पर लिख देना है अगली लाइन में विपरीत
विपरीत 32 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी विपरीत 32 किलोमीटर की दूरी पर बोट रखने में, देखिए विपरीत 32 किलोमीटर की दूरी पर बोट रखने में जो समय लगा है, तो समय का फॉर्मूला होता है समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। ये आप लिख सकते हैं फ्रेंड, दूरी बटे चाल। तो आगे आप इसको लिख सकते हैं, दूरी कितना दिया हुआ है, तो 32, तो 32 बटे 24 माइनस एक्स। तो देखिए 32 बटे 24 माइनस एक्स हो गया, इसके बाद ये क्या हो गया, घंटा यानी आवर्स हो गया, घंटा हो गया फ्रेंड। अगला नेक्स्ट क्या है, 32 किलोमीटर दूरी पर रखने पर, अब यहाँ फिर से लिखेंगे 32 किलोमीटर दूरी पर रखने पर, या रखने पर लिख लेते हैं, रखने पर, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ फ्रेंड, ये स्टेप आपको पूरा फॉलो करना है क्योंकि 6 नंबर का है और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 32 किलोमीटर दूरी रखने पर बोट का चाल या नाव का चाल। जी फ्रेंड, आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, और फिर से ये लिखेंगे हम समय बराबर वही आ गया दूरी बटे चाल। फिर से वही लिखना है आपको, क्या 32 बट्टे 24 प्लस एक्स, क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस में, ये कितना हो जाएगा घंटा। ये हो गया 32 किलोमीटर दूरी रखने पर बोट का चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल यानी 32 बट्टे 24 प्लस एक्स, घंटा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुल दूरी यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कुल दूरी या कुल समय, टोटल यानी जोड़ना है आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट बना लेनी है, यहाँ पर पहले वाले लिख देना है 32 बट्टे 24 माइनस एक्स, और इसके बाद प्लस कर देनी है, फिर से लिख देनी है 32 और 24 प्लस एक्स, ब्रैकेट बंद कर देनी है, ये कितना हो जाएगा, घंटा हो जाएगा फ्रेंड, घंटा। और चलिए आगे मैं और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ये तो हो गया जी फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कुल दूरी लिख लिया था, यहाँ पर कुल दूरी के बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसीलिए बोट को लगा कुल समय एक घंटा यानी इस समय जो बोट है, हमारे नाव है, नाव को लग गया है कुल एक घंटा। तो आपको फिर से क्या करनी है, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देनी है, 32 बटे 24 माइनस एक्स प्लस 32 बटे 24 प्लस एक्स इजिकल टू 1 लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे वाले सेम है तो नीचे वाले अलग अलग है, आपको पता होगा एक बार माइनस एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर 24 का स्क्वायर डायरेक्ट आप कर सकते हैं फ्रेंड, 24 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 576 होता है फ्रेंड, 576 और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 1 तो रहेगा ही। अब इसके बाद देखिए तिरछी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है 32 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 32 ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे 24 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट बंद, इसके बीच में लगा हुआ है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे देख लेते हैं, देखिए फिर से इसकी भी तिरछी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 ब्रैकेट बंद, फिर लिख देना है आपको 24 माइनस एक्स, और इसके बाद देखिए बराबर 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 में कर देनी है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 32 तो 32 कॉमन ले लीजिए, 32 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ऊपर की संख्या देखनी है आपको, 32 यहाँ भी तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 24 प्लस एक्स, और फिर क्या बचा प्लस 24 माइनस एक्स, यही तो बचा, क्योंकि 32 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो गया बराबर में कर देते हैं। चलिए देखिए ये बराबर के कितना आ जाएगा, 576 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आया उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखिए 32 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 4 8 और 2 और 2 4 इजिकल टू 576 एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें x का मान चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस का x स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको x को इधर ले लेते हैं,
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या इसको ऊपर भेज देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 576। 576 को हम क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24 कर लेते हैं, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 576 हो जाता है। इसको हमने इस प्रकार से तोड़ लिया। इसके बाद क्या करना है, देखिए फ्रेंड, 24 दूना 48, दो से ये कट रहा है। इसके बाद क्या करना है, ये 24 और 32 कट जाएगा किससे, 16 से। 16 दूना 32, ये 12 से काट लेते हैं, 12 36 नहीं होगा, चलिए दो दो से काटते हैं। 24 कट जाएगा 12 से और ये कट जाएगा 16 से। फिर काट लेते हैं दो से, ये कट जाएगा 12 कटेगा हमारा 6 से और ये कटेगा 8 से। फिर काट लेते हैं इसको दो से, ये कटेगा 3 से और ये कटेगा 2 से, यानी कट रहा है, सब कट रहा है फ्रेंड। तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 बचा। तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर रूट में लिख देना है आपको ये 2/3, क्योंकि स्क्वायर में था फ्रेंड। एक्स बराबर 2/3 आ गया, तो ये आप लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, इतना आपका आंसर आ गया फ्रेंड। जी फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं फ्रेंड। जी फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, यानी 6 सेंटीमीटर का एक ब्रथ है और एक 10 सेंटीमीटर इसकी जो है हमने एक वो लगा लिया, रेखा खींच लिया, जैसे दूरी कह रहा है तो दूरी हो गया। इसके बाद देखिए क्या करें, स्पर्श रेखा का आयोगन कीजिए, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करना है। हल में क्या दिया हुआ है, दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और बिंदु ओ से, बिंदु ओ इसको मान लेंगे, बिंदु ओ से 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु पी स्थित है। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है, यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, रचना करनी है। अगला जो लाइन है आपकी, रचना करनी है। रचना में क्या है, व्रत की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। स्पर्श रेखा जो होता है हमारा, जब भी कटेगा कोई व्रत स्पर्श है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक व्रत खींच देता हूँ इस प्रकार से, देखिए ये देखिए इस प्रकार से मैंने एक व्रत खींच दिया। आपको जो ये व्रत खींचना है, बीच वाले जो व्रत है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर का मान के पी कर लेते हैं, क्योंकि ये हम बिना मापे कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने स्केल और कॉपी पर करनी होगी फ्रेंड ये चीज। देखिए ये हमने कर लिया, डैश डैश करके कर लेते हैं इसको। इस प्रकार से जो है हमने क्या कर लिया, ये व्रत खींच लिया जो कि 10 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने व्रत खींचा है 10 से, यानी आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ चाप लगाया और एक यहाँ चाप लगाया, दोनों ओर चाप लगाने के बाद ही कटता फ्रेंड। दोनों साइड से चाप लगाएंगे तभी आपका ये व्रत खींचेंगे जो कि बिंदु यहाँ से कटेगा। बीचों बीच जो बिंदु रहेगा इस पर से काटेंगे, ये बिंदु M मान लेते, कोई सा भी बिंदु यहाँ पर मान सकते हैं आप। इसके बाद देखिए अगला क्या है, सबसे पहले जो है बिंदु O को केंद्र मानकर, 6 सेंटीमीटर O को केंद्र मान लिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत खींच लिया। इसके बाद दूसरा नंबर पर है व्रत के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, बिल्कुल P स्थित है, यहाँ पर हमने ले लिया। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा बिंदु P को मिलाया, बिंदु P और O, यहाँ पर देखिए P O को मिलाया, यहाँ पर मिला दिया फ्रेंड, बिल्कुल सही है। ये भी ओपी को व्यास मानकर ए और बी पर काटा, यहाँ ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, ए और बी को मिला दिया। इसके बाद क्या करना है, पीए और पीबी को मिलाया, यानी ओपी को व्यास मानकर ए और बी तो काट लिया, इसके बाद पीए और पीबी को मिलाया और पीए इजिकल टू पीबी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है फ्रेंड। जब भी आप इसको कटते हैं इस सवाल को, जैसे देखिए इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है इस प्रकार से, पीए और पीबी को डैश डैश करके, या नू भी मिला सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी मिला दीजिए, नहीं तो डैश डैश करके भी मिला सकते हैं फ्रेंड। ये हमने मिला दिया, एपी इजिकल टू बीपी, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं एपी या बीपी, पीए इजिकल टू पीबी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पैमाने द्वारा मापेंगे जो की 8 सेंटीमीटर मिलेंगे फ्रेंड, जो की बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से लिख देना है, तो लास्ट में लिख देना है छठा नंबर पर गणना करनी है। इसमें क्या करना है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको क्या करना, गणना जब भी करना है तो इसको पैमाने के थ्रू इसको माप लेनी है, या तो इसको माप लीजिए पीए को या पीबी को, माप करके जो आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया फ्रेंड, जो कि आपका सही है, जो कि ये 6 नंबर में आता है फ्रेंड। बहुत इजी तरीके से आपको इस सवाल को कर लेनी है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया जिसमें ये सवाल नहीं आया। जी फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं।
जी फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया गया है। क्वेश्चन नंबर गया में है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंब वृत्त बेलन का बर्तन बर्तन में डाला जाता है। उस गोले को 12 सेंटीमीटर जो व्यास है, एक वृत्त लंब बेलनाकार बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। डालने के बाद जिसमें थोड़ा पानी भरा जाता है, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 × 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आपको दिया रहेगा यहाँ पर गोले का व्यास, गोले का व्यास जो कि 12 सेंटीमीटर दिया है, आपको क्या करना है, त्रिज्या निकाल देनी है, तो 12/2 कर देनी है, तो 2 × 2 = 12 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन याद होगा तब जाकर के आप कम्प्लीट कर सकते हैं। तो देखिये यहाँ 4/3 और पाई का मान आपको पता ही है 22/7 होता है। इसके बाद R का मान कितना है 6, तो 6 को यानी 3 बार लिख देना 6 6 6। इसके बाद 3 से काट दीजिए 6 को, तो 2 बार में। अब देखिए और भी कुछ कट रहा है तो काट देंगे, अदरवाइज नहीं तो गुना करके छोड़ देंगे जी फ्रेंड। या इसको आप पाई भी रहने दे सकते हैं 22/2, क्योंकि 7 किसी से कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको पाई में ही रहने देते हैं। देखिए 4 × 22/7 को पाई में ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, ये 36 36 36 और 2 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 6 × 2 = 12 12 × 6 = 48 हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है, सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ये जो है 22/7 था उसको मैंने पाई लिख दिया, 4 की और 6 6, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया कैसे, जैसे देखिए 6 × 2 = 12 12 × 6 = 48 48 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 288 पाई सेंटीमीटर की बार है। इसके बाद आपको क्या करना, एच का मान यहाँ दिया हुआ है, यानी कह रहा है बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह कितना है, तो एच इज इक्वल टू 3 × 5/9, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 9 × 3 = 27 और 5 = 32/9 सेंटीमीटर हो गया, ये एच का मान आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, गोले द्वारा हटाए गए पानी का आयतन इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है ना गोले का आयतन 288 पाई। इसके बाद आपको क्या करना है, पानी हटाए गए पानी का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 288, आपको क्या करनी है पाई से पाई कैंसिल कर देना है। इसके बाद देखिए आर का मान निकालना है हमें, एच का मान कितना है 32/9 इज इक्वल टू 288, 288 को 32 से काट देनी है, तो कितनी बार में कटेगा 9 बार में। आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यहाँ पर 9, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई अगर इस 9 में करेंगे तो 9 × 9 यानी 9 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका यहाँ पूछ रहा है बेलनाकार बर्तन का व्यास, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेलनाकार बर्तन का व्यास आपको लिख लेना है पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिख लेनी है। व्यास इज इक्वल टू क्या होता है 2R होता है, और तो देखिए यहाँ पर 2 × R का मान कितना आ गया 9, तो यहाँ पर 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा फ्रेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये हमें क्या करवा रहा है ज्ञात, बेलनाकार बर्तन का व्यास, तो देखिए 18 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, और चलिए दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मैंने आज करवाया आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि बोर्ड की क्वेश्चन जो है आने वाली है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से चलिए आज की वीडियो इतना ही समाप्त करता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। एक बात और फ्रेंड, आने वाले वीडियो जो है आपको जो है कल से मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जो कि साइंस का है फ्रेंड, मैथ का मैंने इतना ही कंप्लीट करवाया है, ताकि देखने वाला जो होगा, जो भी आप स्टूडेंट हो, जितने भी लोग इसको देखते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही ज्यादा 80% से प्लस ऊपर आ जाएंगे मार्क्स, इतना ही वीडियो को अगर आप कवर कर लेते तो। चलिए अगले दिन जो है मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता दूंगा फ्रेंड। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।